नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गीडा के स्थापना दिवस समारोह में सीएम योगी ने 504 करोड़ की निवेश परियोजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास। प्लास्टिक पार्क, रेडीमेड गारमेंट पार्क और फ्लडेड फैक्ट्री की मिली सौगात। 1200 करोड़ की निवेश परियोजनाओं के निवेशकों को प्रदान किया भूमि आवंटन का प्रमाण पत्र। कहा, अपराधी व उसके संरक्षण दाता निवेश के सबसे बड़े दुश्मन। गैंग लीडर भोला कुशवाहा सहित चार जालसाजों मोतीलाल कुशवाहा, राजेश कुशवाहा उर्फ घुरे एवं अनिल कुशवाहा के ऊपर राजघाट थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा किया दर्ज। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन नगरीय द्वारा प्रतिबद्ध 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय का चलेगा अभियान। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, 75 गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स को किया गया है चिन्हित। सेल्फी पॉइंट्स रेहड़ी पटरी वालों को जगह किया जाएगा आवंटित। प्रमलीन महंत अवैधनाथ महाराज की स्मृति में गुरुवार से उत्तर प्रदेश खेल विभाग द्वारा रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का किया जाएगा शुभारंभ। विजयी खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 4 दिसंबर को किया जाएगा सम्मानित। जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष अरुणेश शाही ने दी जानकारी। चार दिसंबर को दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित होने वाले निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन के संबंध में भाजपा महानगर की बैठक महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता की अध्यक्षता में हुए संपन्न। ने कहा, समाज के सभी प्रबुद्ध वर्ग को किया जा रहा है आमंत्रित ताकि ऐतिहासिक हो सके निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन। सेंट एड्यूज कॉलेज के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी विद्यार्थियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना। अस्पताल नंदा नगर के 45 कर्मचारियों ने संविदा बहाली की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वावधान में जिलाधिकारी को प्रेषित किया ज्ञापन। संविदा बहाली की मांग। और एमएसआई इंटर कॉलेज में जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने केमिस्ट्री लैब का किया शुभारंभ। कहा, इस समय विज्ञान का है समय, केमिस्ट्री लैब से बच्चों को मिलेगी अच्छी शिक्षा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराधी और उनके संरक्षणदाता निवेश के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही अपराधियों और उनके संरक्षणदाताओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। आज उत्तर प्रदेश में निवेशकों और उनकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य है। सीएम योगी बुधवार शाम गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में मुख्यमंत्री ने 504 करोड़ रुपए की 133 निवेश परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास, 260 करोड़ रुपए के 49 विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करने के साथ तथा 1200 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं के 24 निवेशकों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर उपस्थित उद्यमियों व जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था। यहां गुंडागर्दी, अराजकता व सत्ता संरक्षित अपराध का बोलबाला था, जबकि आज सर्वाधिक सुरक्षित माहौल उत्तर प्रदेश में है। अपराध पर नकेल कसने के साथ ही सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था से निवेशकों को सुविधा दी। निवेश मित्र पोर्टल के सिंगल विंडो से ऑटो मोड पर 340 से अधिक सेवाएं निवेशकों के लिए उपलब्ध है। यह देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो सिस्टम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने निवेशकों के लिए 25 सेक्टर चिन्हित किए हैं। इन सेक्टरों से जुड़े इंसेंटिव भी पोर्टल के माध्यम से ऑटो मोड पर निवेशकों को प्राप्त होते रहेंगे। किसी भी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इन सारी व्यवस्थाओं की निगरानी व समीक्षा मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में देश में नंबर 2 के पायदान पर है और शीघ्र ही इसे नंबर 1 पर लाने का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। यूपी में पर्याप्त लैंड बैंक है तो एमएसएमई की इकाइयों को शुरुआती 1000 दिन तक एनओसी लेने की बाध्यता नहीं है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आह्वान किया कि 10 से 12 फरवरी 2023 तक होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में गोरखपुर के निवेशक भी भागीदारी करें। उन्होंने कहा कि जो पूंजी रोजगार का सृजन करे वह निवेश है। यहां के उद्यमी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट आदि खोलकर रोजगार का सृजन कर सकते हैं। ऐसा करने पर सरकार उनका स्वागत करते हुए हर स्तर पर सहयोग करेगी। उन्होंने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश और दुनिया के निवेशक भागीदारी करने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा अगले 5 सालों में देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की है। इसके लिए उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन की भूमिका में होगा। पीएम मोदी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा। इसके लिए हमें अधिक से अधिक निवेश, रोजगार सृजन और बेहतर सीडी रेशियो पर ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रति माह जिला स्तर पर तथा प्रत्येक 3 माह पर मंडल स्तर पर बैठक करने का निर्देश प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों को दिया। इसके साथ ही उन्होंने उद्यमियों से कहा कि इन बैठकों में भी समस्याओं का समाधान न हो तो वे शासन को पत्र लिखने या फोन करने में गुरेज ना करें। गीडा दिवस समारोह में उपस्थित सभी लोगों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 5 वर्षों में गीडा की विकास यात्रा शानदार रही है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि और अधिक प्रगति के लिए गीडा का लैंड बैंक बढ़ाया जाए, धुरिया पार तक विस्तार करते हुए बेहतर कनेक्टिविटी दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों की दृष्टि से उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना भी होनी चाहिए। जब अपने ही क्षेत्र की फैक्ट्री में रोजगार मिलने लगेगा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए गीडा को स्वयं तथा उद्यमियों के साथ मिलकर प्रयास करना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि आज के दौर में किसी भी उत्पाद की डिजाइनिंग व पैकेजिंग का भी बड़ा महत्व है। अच्छी डिजाइनिंग व पैकेजिंग के बिना उत्पाद को अपेक्षित महत्ता नहीं मिल पाती है। उन्होंने गीडा को पैकेजिंग इंस्टीट्यूट खोलने की तैयारी करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति की ताकत को समाज अभी समझ नहीं पा रहा है, जबकि वे गृहस्थ को संभालने के साथ स्वावलंबन का नया मॉडल खड़ा कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें स्वावलंबी बना रही है। मुख्यमंत्री ने गीडा में स्थापित हो रहे फ्लैटेड फैक्ट्री की चर्चा करते हुए कहा कि 80 यूनिटों वाली यह फैक्ट्री महिलाओं के स्वावलंबन का बड़ा आधार बन सकती है। यहां रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं और इनसे जोड़कर महिलाएं भी प्रतिमाह 12 से 15 हजार रुपए कमा सकती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन को लेकर भी प्रयास करना चाहिए। यदि रेडीमेड गारमेंट को प्रोत्साहन दिया जाए तो यहाँ के प्रोडक्ट दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर यूरोप तक छा जाएंगे। ऐसा होने से लाखों युवाओं व महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। कभी औद्योगिक विकास के दृष्टि से शून्य और अति पिछड़े जिलों में गिना जाने वाला गोरखपुर गत 5 सालों से विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। सबको पता है कि 90 के दशक में गोरखपुर की क्या छवि और पहचान थी। नए उद्योगों की स्थापना तो दूर, पहले से चले आ रहे उद्योग भी बंद होते जा रहे थे। 1989 में गीडा की स्थापना का प्रयास कागजी खानापूर्ति तक सीमित हो गया था। आवागमन के साधन नहीं थे, सड़कों की दशा अति जर्जर थी। गोरखपुर से लखनऊ जाने में 8 से 10 घंटे और वाराणसी जाने में 6 से 7 घंटे लग जाते थे। एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, ट्रेनों में सीट्स नहीं मिलती थी। 2017 के बाद पूरी तस्वीर बदल गई है। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास के नित नए प्रतिमान गढ़े जा रहे हैं। बंद खाद कारखाने की जगह नया कारखाना 105% की दर से खाद उत्पादन कर रहा है। पिपराइज में बंद चीनी मिल की जगह नई मिल शुरू हो गई है। रोड कनेक्टिविटी मजबूत होने से गोरखपुर से लखनऊ की दूरी 3.5 घंटे और वाराणसी की दूरी 2.5 घंटे में पूरी हो रही है। शानदार एयर कनेक्टिविटी के चलते गोरखपुर से प्रमुख शहरों के लिए 14 फ्लाइट की सुविधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास का नया क्षेत्र गीडा से धुरिया पार तक होगा। इसके लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके पूर्व होने और औद्योगिक विकास को नया आकार मिलने से लाखों की संख्या में रोजगार का सृजन होगा। सीएम योगी ने कहा कि यह हम सभी पर निर्भर करता है कि हम अपने क्षेत्र को कैसा माहौल देना चाहते हैं। जाति, मत, मजहब में बटे रहेंगे तो विकास नहीं होगा।
पहचान का संकट होगा, दूसरे लोग हमें अविश्वास की नजर से देखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर को अपराध व पिछड़ेपन के कलंक से मुक्ति दिलाने का जो संकल्प लिया गया है उसे लेकर हुए आंदोलन में एक एक नागरिक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसका परिणाम है कि आज नागरिकों के ही सहयोग से गोरखपुर की पहचान विकास के नए मॉडल के रूप में है। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर आज हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर का हब बन चुका है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी की सुविधा है तो प्रधानमंत्री के हाथों एम्स की सौगात भी मिल चुकी है। गोरखपुर में हजारों निजी चिकित्सक सेवाओं से जुड़े हैं। इसके साथ ही गोरखपुर में कई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट व 4 विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा व शोध के बड़े केंद्र बनकर उभरे हैं। गोरखपुर व पूर्वी उत्तर प्रदेश आज रोजगार का बड़ा केंद्र है। पटना से लखनऊ के बीच सबसे बड़ी दवा मंडी गोरखपुर में है तो किराना के सबसे बड़ी मंडी भी यहीं पर है। यहाँ उद्योगों के विस्तार की अपार संभावना है। इन संभावनाओं को माहौल देने का दायित्व हम सबका है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गीडा में जितना निवेश पिछले 5 सालों में हुआ है उतना इसके पूर्व के 27 सालों में भी नहीं हुआ था। गीडा दिवस समारोह में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ल ने कहा कि सरकारें आई और गईं, लेकिन 2017 तक गीडा उपेक्षित ही रहा। 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद माहौल बदला तो देश भर की उद्यमी गीडा में निवेश करने आ रहे हैं। औद्योगिक विकास के साथ ही गीडा आज आईटी हब भी बन रहा है। चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विष्णु प्रसाद अजीत सरिया ने कहा कि सीएम योगी ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर और बेहतर कनेक्टिविटी से गीडा को निवेशकों की पसंदीदा स्थान बना दिया है। मजबूत कानून व्यवस्था से बाहर के उद्यमी भी यहां निवेश को उत्सुक हैं। आभार ज्ञापन गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पवन अग्रवाल ने किया। गीडा दिवस समारोह के अंतर्गत गीडा कार्यालय परिसर में गीडा में लगी यूनिट्स में बन रहे उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगी थी। सीएम योगी ने प्रदर्शनी में लगे स्टॉलों का अवलोकन कर उद्यमियों का उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने प्लास्टिक पार्क, लॉजिस्टिक पार्क एवं कमर्शियल प्लाजा का मॉडल देखने के साथ ही रेडीमेड गारमेंट, होम अप्लायंसेस एवं इलेक्ट्रिक उपकरण, प्लास्टिक बैग व अन्य उत्पाद शिक्षण संस्थानों, टोरेंट गैस, फूड प्रोडक्ट्स, प्लाई एवं लेमिनेट्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, स्टील एवं इंजीनियरिंग व विभिन्न बैंकों के स्टॉलों का निरीक्षण कर उनके उत्पादों व सेवाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं MLC डॉ. धर्मेंद्र सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक फतेह बहादुर सिंह, विपिन सिंह, श्री राम चौहान, राजेश त्रिपाठी, महेंद्र पाल सिंह, डॉ. विमलेश पासवान, भाजपा के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, वरिष्ठ नेता रमेश सिंह, अश्विनी त्रिपाठी, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष SK अग्रवाल समेत चैम्बर के अन्य पदाधिकारी, उद्यमी आदि उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएम योगी से भूमि आवंटन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली निवेशक महिला उद्यमी महिमा त्रिपाठी ने कहा। स्थापना दिवस एक अनूठी संकल्पना है। किसी भी संस्थान की, किसी भी मनुष्य एक अनूठी शिखला पर आंकड़ा हुआ था, शिक्षा को प्राप्त कर चुका था, तो यह आयामों को पूरा किया और आज प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की भांति पूर्वांचल के क्षेत्र में भी औद्योगिक दिवस के रूप में उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दूरगामी परिकल्पना एवं सोच के अनुरूप आज यह गीडा स्थापना दिवस का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। हम सब सौभाग्यशाली है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं हम सबके संरक्षक परम आदरणीय महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का आगमन गीडा के इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हो चुका है। अरे श्याम भाई थोड़ा सा भाई
क्या है ये चलिए किस पे हैं लेना ही आ गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम स्वागत वंदन एवं अभिनंदन मंचासीन समस्त माननीय विधायकगण का समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का उपस्थित हमारे उद्यमीगण का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए उन सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए अतिथि देवो भव की द्वारा स्वागत पुष्पलिका के द्वारा स्वागत करने के लिए हम श्री विष्णु अजीत सरिया जी से निवेदन करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय विधायक महोदय से पुनः अनुरोध करते हैं कि आप स्वागत उद्बोधन के लिए आए इंडस्ट्रीज विष्णु अजीत सरिया जी ब्लॉक प्रमुख पिपरौली दिलीप यादव जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश सिंह जी जीडा स्थापना दिवस से 25 साल बाद 2017 में अपने असली आजादी का रूप लिया जब पूज्य महाराज जी की सरकार आई और आज जीडा में भारत के देश के कोने कोने से उद्यमी यहाँ आ रहे हैं अपना उद्योग लगा रहे हैं और यहाँ के जो युवक हैं सैजनवा विधानसभा से पूरे पूर्वांचल के युवक लाखों युवक यहाँ रोजगार पा रहे हैं आज यहाँ हमारे कीड़ा से युवक पूरे पूर्वांचल के आज यहाँ लाखों युवक सर्विस कर रहे हैं और आज हमारा कीड़ा एक आईटी का हब हो गया है जो बच्चे हमारे पढ़ाई के लिए बाहर जाते थे आज आईटी पे हब होने से वो बच्चों को यही पढ़ाई करना पड़ रहा है कुछ महाराज जी कर रहे हैं कुछ महाराज जी के आशीर्वाद से आज बीटा हमारा चारों तरफ से फोर लेन से जुड़ा हुआ है आज आईटी कॉलेज की बात हो चाहे इस विधानसभा में अटल आवासीय विद्यालय बना हो सादर धन्यवाद महोदय और इसी क्रम में मंच पर उपस्थित पूरे क्षेत्र को सुविधा दी है संचालित हो रही है इसी प्रकार विद्युत की जो बात थी 24 घंटे हमें बिजली विभाग की जो स्थिति थी उससे लोग यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए आकर्षित नहीं होते आज ये सारी परिस्थितियाँ उद्योग लगाने के लिए अत्यंत अनुकूल का इन्वेस्टमेंट बीडा के द्वारा कराया गया है आने वाले 5 वर्षों में पुनः 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गोरखपुर में आएगा ऐसा नहीं लोगों को रोजगार देने की उसमें मैं क्या देखता हूँ सबसे अधिक अगर रोजगार के अवसर होते हैं तो एक में
रिटायरमेंट में होते हैं। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के विस्तृत इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन विकास से नए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। बन रहा है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 2000 करोड़ में औद्योगिक गलियारा और समस्त अतिथिगणों का हम सभी आज स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम पर संपन्न होता है। के साथ यह नई सोच आगे बढ़ने के लिए जनपद को कुछ नया प्राइवेट लिमिटेड के CWC लॉजिस्टिक के मिसर्स माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से भू कॉमर्शियल एवं प्राइवेट एक्वा हमारे मिसर्स लेकिन एसोसिएट से श्री किशोरी लाल जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम में मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इसके पश्चात अंतिम नाम हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। एक बार तालियों के साथ पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चरणों में हम सभी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने इस स्थापना दिवस पर इन्हें इनका आवंटन पत्र प्रदान विकास प्राधिकरण स्थापना दिवस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, सहजनवा से लोकप्रिय विधायक भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विष्णु सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख पिपरौनी श्री दिलीप यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रमेश सिंह जी, शिवस्वामी त्रिपाठी जी, आज के इस स्थापना दिवस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सभी उद्यमी और निवेशकगण, गोरखपुर के मंडलायुक्त और सभी पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी नीडा और अन्य सभी इस पूरी व्यवस्था से जुड़े थे सभी अन्य महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबको गोरखपुर विकास औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विकास से जुड़े थे आप सभी महानुभावों का मैं आज के इस अवसर पर हृदय से आपको बधाई देते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। गोरखपुर आज विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। कभी औद्योगिक दृष्टि से शून्य और अति पिछड़े जनपदों में गिना जाने वाला गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश आज विकास के नित नए मानक और प्रतिमान स्थापित कर रहा है। याद करिए 1990 के दशक के गोरखपुर को, तब गोरखपुर की छवि क्या थी, गोरखपुर की पहचान क्या थी। जो पहले से गोरखपुर के चले आ रहे उद्योग थे वे सब बंद हो रहे थे। गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 1990 में बंद हो गया था। गीड़ा की स्थापना के लिए 1989 में प्रयास तो प्रारंभ हुए लेकिन वे सभी प्रयास केवल कागजी खाना पूर्ति तक ही सीमित रह गए थे। आवागमन के साधन नहीं थे, न सड़कें अच्छी थी। 94-95 में अगर हमें लखनऊ जाना होता था तो गोरखपुर से लखनऊ की दूरी तय करने में 8-10 घंटे का समय लगता था। गोरखपुर से वाराणसी आज से एक वर्ष पहले भी अगर आप जाने का प्रयास करते रहे होंगे तो 6-7 घंटे कम से कम गोरखपुर से वाराणसी की दूरी तय करने में लगते थे। वायु कनेक्टिविटी गोरखपुर की नहीं थी, 1990 के दशक के प्रारंभ में ही ये बंद हो गई थी। जो वायु दूत की एक सेवा यहां चलती थी, ट्रेन में सीट्स नहीं मिल पाती थी। 1998 से लेकर 2017 तक मैं सांसद था और रिजर्वेशन के लिए सिफारिश के लिए कितने लोग यहाँ पर सिफारिश करने के लाइन लगाते थे ये हम सब ने देखा है। और आज वो
गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश विकास के नित नए बुद्धिमान स्थापित कर रहा है। हम सब जान रहे हैं गोरखपुर का 1990 में बंद हो चुका फर्टिलाइजर कारखाना आज 105% की रेट से फिर से उत्पादन कार्य अपना प्रारंभ कर चुका है। HURL के नाम प्रस्तावित गोरखपुर का खाद कारखाना फिर से विकास की एक नई कहानी कह रहा है। पिपराइज में बंद हो चुके चीनी मिल आज वहां पर फिर से प्रारंभ हो चुकी है और नई चीनी मिल स्थापित हो चुकी है। गोरखपुर की कनेक्टिविटी लखनऊ से गोरखपुर की दूरी मात्र 3.5 घंटे में पूरी की जा सकती है। गोरखपुर से वाराणसी की दूरी मात्र 2.5 घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है। गोरखपुर की एयर कनेक्टिविटी आज 12 फ्लाइट गोरखपुर से देश के सभी प्रमुख महानगरों को जोड़ती है और गोरखपुर औद्योगिक विकास के दृष्टि से आगे बढ़ सके इसके लिए गोरखपुर लिंक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर को जोड़ने के लिए पूरे मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत शीघ्र जब ये बनकर के तैयार होगा तो गोरखपुर औद्योगिक विकास का एक नया क्षेत्र ईड़ा से लेकर के धुलिया पार तक हम सबको दिखाई देगा जहां पे लाखों नौजवानों को रोजगार और नौकरी की संभावनाओं का आगे बढ़ाने में यह हम सब पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का माहौल देना चाहते हैं, हमारी सोच विकास की क्या है। अगर जाति के आधार पर मत और मजहब के आधार पर ही हम बटे रहेंगे तो कभी विकास नहीं हो पाएगा। हमारे सामने हमेशा पहचान का संकट होगा, हमेशा हम लोगों के द्वारा अविश्वास की निगाहों से देखे जाते रहेंगे। लेकिन गोरखपुर ने जो फैसला 1990 के दशक में लिया था कि अपने पर लगे हुए कलंक से हमें मुक्ति प्राप्त करनी है और मुझे लगता है 1994-95 से हम लोगों ने गोरखपुर के विकास के लिए जब भी किसी प्रकार के आह्वान की आवश्यकता हमें महसूस हुई, गोरखपुर का एक एक नागरिक मेरे साथ उस आंदोलन का हिस्सा बना रहा। हर व्यक्ति सड़क पर हो या कहीं भी हो उस आंदोलन का हिस्सा गोरखपुर का नागरिक बना रहा था। उसी का परिणाम है कि गोरखपुर के नागरिकों का समर्थन और उनका सहयोग आज गोरखपुर के विकास को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। आज यहाँ पर गीड़ा के लिए या गोरखपुर के विकास के लिए जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं ये सब उसी का परिणाम है। अपार जन समर्थन सदैव आपका, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का बना रहा, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है कि हमने विकास के कुछ नए मानक बढ़े हैं। आज गोरखपुर में न केवल एजुकेशन का एक हब गोरखपुर बन रहा है, गीड़ा में कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक डेंटल कॉलेज भी काम कर रहा है, 4-4 विश्वविद्यालय वर्तमान में गोरखपुर में उच्च शिक्षा के केंद्र और शोध के केंद्र बने हुए हैं, कई टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे काम कर रहे हैं और इन सभी को साथ लेते हुए आज गोरखपुर हेल्थ का भी एक हब बन रहा है। आज आप देख रहे होंगे ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज पहले जर्जर स्थिति में था, आज वहां सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक भी बनकर के कार्य हो चुका और वहां पर लोगों को सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं भी प्राप्त होनी शुरू हो गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से विगत वर्ष ही एम्स का उद्घाटन हो चुका है और गोरखपुर एम्स गोरखपुर की जनता को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। गोरखपुर में हजारों चिकित्सक वर्तमान में बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा के साथ जुड़े हुए हैं। गोरखपुर आज हेल्थ और एजुकेशन का ही हब नहीं है, मैं तो इस बात को मानता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के रोजगार और व्यवसाय का भी एक प्रमुख केंद्र गोरखपुर बनकर के उभरा है। पटना और लखनऊ के बीच में दवा की सबसे बड़ी मंडी गोरखपुर है, गोरखपुर किराना की सबसे बड़ी मंडी है, गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक उद्योग वर्तमान में लगने की ओर अग्रसर है। अपनी इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार का माहौल देना ही हम सबका दायित्व बनता है। विगत 5 वर्ष के अंदर जितना निवेश गोरखपुर में हुआ उतना निवेश
जीरा के स्थापना काल के दौरान 27 वर्षों के अंदर उतना निवेश नहीं हो पाया था जितना निवेश अकेले विगत 5 वर्ष के अंदर जीरा के अंदर। और इसीलिए उन संभावनाओं को ही आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ पर हम लोग स्थापना दिवस कार्यक्रम में आए हैं। और मैं इस अवसर पर सबसे पहले आप सभी जिन्होंने गीड़ा में निवेश करने के लिए एक आत्मविश्वास के साथ निवेश किया है, उन सभी उद्यमियों को, उन सभी निवेशकों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं। इस अवसर पर आज यहां पर गीड़ा से जुड़ी भी लगभग 190 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और 70 करोड़ रुपए की लागत से जुड़ी हुई परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। इसके साथ ही गोरखपुर में हेटेड फैक्ट्री मैं भी देख रहा था, स्टॉल यहां पे लगे हुए हैं। मेरा मानना महिला जो शक्ति है, मातृशक्ति है, उसकी ताकत को अभी लगता है समाज समझ नहीं पा रहा है। अपनी घर गृहस्थी को संचालित करने के साथ ही उनके द्वारा स्वावलंबन का एक नया आदर्श खड़ा किया जा सकता है। और इसके लिए प्रदेश के अंदर केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारें, डबल इंजन की सरकार, जहां महिला स्वयंसेवी समूहों को रिवॉल्विंग फंड देकर के प्रोत्साहित करके उन्हें विभिन्न कार्यों के साथ जोड़ रही है, वहीं फेटेड फैक्ट्री के माध्यम से रेडीमेड गारमेंट्स के एक हब के रूप में भी आप गोरखपुर को बदल सकते हैं, जिसमें लाखों लोगों को कार्य मिल सकता है। और यह एक अच्छा कार्य होगा। यहाँ पर फेटेड फैक्ट्री का एक कॉन्सेप्ट गोरखपुर को दिया जा रहा है, आज उसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहाँ पर हुआ है, जिसमें लगभग 34 करोड़ रुपए यहाँ पर इस कार्य के लिए दिए जा रहे हैं। और पहले चरण में 80 इकाइयां फेटेड फैक्ट्री की गीड़ा में स्थापित होंगी। प्लास्टिक पार्क 70 करोड़ रुपए की लागत से 92 इकाइयां इसमें लगेंगी, जिसमें गेल के द्वारा रॉ मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। और प्लास्टिक से जुड़ी हुई कुर्सी है, मेज है, अन्य तमाम जो सामग्री बनती है जो घर के उपयोग के लिए होती है, कम किया जा रहा है, जिसमें 504 करोड़ रुपए की लागत से इसमें निवेश होगा। और इसमें लगभग 3500 नौजवानों को रोजगार की सुविधा भी यहाँ इसके माध्यम से प्राप्त होने वाली है। इसके साथ ही गीड़ा में 24 निवेशकों को आज यहाँ पर भूमि आवंटन का कार्य हो रहा है, जिसमें 1200 करोड़ रुपए की लागत से निवेश, 1200 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर होगा। और इसके माध्यम से लगभग 1500 से 2000 नौजवानों को इसमें भी रोजगार की सुविधा यहाँ उपलब्ध होगी, जिसमें वरुण बेवरेज ये पेप्सिको का एक उपक्रम है, उसके द्वारा यहाँ पर एक यूनिट की स्थापना होने जा रही है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा भी यहाँ पर लगभग 40 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव है। अन्य तमाम कार्यों को यहाँ पर आगे बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं वह एक नई शुरुआत है। ढेर सारे अभी प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो यहाँ गीड़ा में निवेश करने के इच्छुक हैं, जो लोग गोरखपुर आना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हम सबको भी तैयार रहना होगा। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है, तो इसके पीछे कारण है। विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया। हमने पहले दिन तय कर लिया था कि औद्योगिक विकास या किसी भी प्रकार के विकास के साथ साथ निवेश के सबसे बड़े दुश्मन अपराधी और अपराधियों के संरक्षणदाता होते हैं, इसलिए इनके खिलाफ जितनी सख्ती के साथ कार्रवाई हो सकती है उतनी सख्ती के साथ हम लोगों ने कार्रवाई की। उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनी हुई है। हर निवेशक सुरक्षा की गारंटी चाहता है, स्वयं की भी और अपनी पूंजी की भी। दूसरा, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उस भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था को हम दे सकते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र जो अपना पोर्टल तैयार किया है, सिंगल विंडो सिस्टम को लागू करते हैं,
से अधिक सेवाएं ऐसी दी हैं कि निवेशक आवेदन करेगा, वे 340 से अधिक सेवाएं ऑटो मोड पर स्वतः स्फूर्त भाव के साथ ये सारा कार्य उसको करते हुए दिखाई देंगे। और अब तो हम ये भी व्यवस्था करने जा रहे हैं, जो निवेशक निवेश करेगा शासन से किसी पॉलिसी के अंतर्गत, हमने 25 ऐसे सेक्टर चिन्हित किए हैं जिसमें प्रदेश में व्यापक निवेश की संभावनाएं हैं, और उसने किसी भी निवेशक और उद्यमी को उससे शासन से मिलने वाले इंसेंटिव को भी हम उस पोर्टल के माध्यम से, वो जैसे अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा उसमें ऑटो मोड पर वह पैसा उस निवेशक के खाते में अपने आप जाता रहेगा, जिसके लिए उसको शासन के भी यहाँ कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं इन चीजों की समीक्षा भी करता है। आज उस दिशा में हमने प्रयास किया, आज उसके अच्छे परिणाम आए हैं। उत्तर प्रदेश में पहले कोई आना नहीं चाहता था क्योंकि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल नहीं था, दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी, गुंडागर्दी चरम पर थी, सत्ता प्रायोजित अपराध था, संगठित अपराधियों के द्वारा उद्यमी निवेशकों और सामान्य जनों और बहन बेटियों की सुरक्षा में सेन लगाने का काम किया जाता था। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है, आज तो एक सुरक्षित माहौल है। उस सुरक्षित माहौल में हर व्यक्ति अपने निवेश की भी और स्वयं की भी सुरक्षा की गारंटी ले सकता है और उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी व्यवसाय की सुगमता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कार्य किए, उत्तर प्रदेश आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है और शीघ्र हम नंबर 1 अभियान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लैंड बैंक है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो सिस्टम को लागू करता है जिसमें 340 से अधिक सेवाएं एक साथ एक पोर्टल में एक क्लिक के माध्यम से वह हर निवेशक को उपलब्ध हो सकती है। एमएसएमई में निवेश करने वाले किसी भी उद्यमी को 1000 दिनों तक किसी भी प्रकार की उसको एनओसी की आवश्यकता नहीं, वो प्रक्रिया अपनी चलाता है, अपनी फैक्ट्री लगाए, अपना कार्य प्रारंभ करे। ये भी सुविधा हम लोगों ने प्रदेश के अंदर की, बहुत सारी सुविधाओं को हम दे रहे हैं। और इसी में मैं आह्वान करूंगा गोरखपुर के उद्यमी और निवेशकों से, 10 से 12 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी कर रहा है। देश और दुनिया के उद्यमी आएंगे, निवेशक आएंगे, बड़े बड़े निवेशक आएंगे, उस निवेश में गोरखपुर के उद्यमी और गोरखपुर के व्यवसायी भी निवेश करें, हर एक व्यक्ति उसमें निवेश करने के लिए आगे आए। एक स्कूल बनाना, एक विश्वविद्यालय का निर्माण करना, एक हॉस्पिटल का निर्माण करना, एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण करना, एक इंजीनियरिंग संस्थान का निर्माण करना, ये अपने आप में एक निवेश है। एक फैक्ट्री लगाना, ये अपने आप में एक निवेश है। कुछ भी ऐसी पूंजी जो रोजगार का सृजन करती हो, कुछ नए लोगों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ती हो, अपने आप में एक निवेश है। लोगों के रोजगार को आगे बढ़ाती हो, वो अपने आप में एक निवेश है। सरकार ने इसके लिए अलग अलग सेक्टर की पॉलिसी बनाई है और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि अधिक से अधिक मात्रा में होटल बनाना, रेस्टोरेंट बनाना, अच्छे पैमाने पे बनाने की तैयारी करना, आप इसके लिए आइए, उत्तर प्रदेश सरकार आपका स्वागत करेगी और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए हर प्रकार का सहयोग देने को तैयार है। दूसरा, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने पिछले 5 साल में एक अच्छी यात्रा प्रारंभ की है और मैं उनसे बार बार कह रहा हूं, लैंड बैंक बढ़ाइए। गीड़ा से लेकर धुलिया पार तक गोरखपुर का जो विकास के दृष्टि से सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, वहां तक गीड़ा के विस्तार को ले लीजिए। एक एक निवेशक को अच्छी कनेक्टिविटी दे दीजिए, अच्छी सुविधा दे दीजिए, हर व्यक्ति आएगा। और दूसरा, यहां पर जिस प्रकार का निवेश हो रहा है उस प्रकार के निवेशकों की दृष्टि से स्किल डेवलपमेंट के अच्छे सेंटर की स्थापना भी करना, जो लोकल नौजवानों को उसमें प्रशिक्षित कर सके और फिर स्थानीय स्तर पर ही उन नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा के साथ हम जोड़ सके। आखिर पूर्वी उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी और रोजगार के लिए देश और दुनिया के अंदर क्यों जाएगा, जब फैक्ट्री उसके गांव में और उसके जनपद में या उसके पूर्वी उत्तर प्रदेश में लग रही है तो उसको वहीं पे नौकरी और रोजगार की सुविधा मिलेगी, तो उसको भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, बहुत बार मेरे पास एप्लीकेशन आती है कि
उसके उनके परिवार का कोई सदस्य कहीं गल्फ में गया है, वहां पर फंस गया है, वहां पर उसके साथ अमानवीय अत्याचार हो रहा है, इस प्रकार की शिकायतें नहीं आनी चाहिए। उसके लिए अच्छा है उनका स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर हो और उस प्रकार के सेंटर स्थापित करें। गीड़ा को यहाँ के उद्यमियों के साथ मिलकर के उस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं तो गीड़ा स्वयं भी इस प्रकार का कार्यक्रम करें। दूसरा, पैकेजिंग पर ध्यान देना होगा, डिजाइनिंग और पैकेजिंग पर याद रखना। हम कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे अगर उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, पैकेजिंग इंस्टीट्यूट खोलने की तैयारी करना, औद्योगिक विकास से जुड़े हुए हमारे संस्थानों को स्वयं इसके सामने प्रयास करना चाहिए। पीडीपी मोड पर भी खोल सकता है, बहुत सारे लोगों को उसके माध्यम से रोजगार मिलेगा। और फिर अपने यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी जनपद स्तर पर प्रयास करना। जो यहाँ पर रेडीमेड गार्मेंट से जुड़े हुए, जैसे मैं देख रहा था बहुत सारे उद्यमी यहाँ पर अब कार्य करना प्रारंभ कर दिए हैं, अगर हम इनको थोड़ा भी प्रोत्साहन करें तो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ यूरोप के देशों में गोरखपुर का प्रोडक्ट छा जाएगा और वहां पर गोरखपुर के प्रोडक्ट का छाने का मतलब गोरखपुर में लाखों नौजवानों और लाखों महिलाओं को हम यहीं पे उनकी रोजगार की सुविधा उन्हें उपलब्ध करवा देंगे। और इस दिशा में एक नए प्रयास की आवश्यकता है, उस प्रयास को आगे बढ़ाने की दिशा में आज जो कार्य आप सब कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमें अगले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की बनाने की जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य देश को दिया है, उसमें उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन का काम करेगा। हमें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में बनाना, यानी 80 लाख करोड़ रुपए की एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में, देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। अधिक से अधिक निवेश करना, अधिक से अधिक लोगों को उसके साथ जोड़ना, अधिक से अधिक रोजगार का सृजन करना, सीडी रेशो को बेहतर करने के लिए बैंकर्स के साथ जिला प्रशासन और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों का संवाद होना, जिससे अधिक से अधिक यूथ को और उद्यमियों को लोन की सुविधा उपलब्ध हो सके और उसे डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ देना, ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। इस आवश्यकता के लिए मैं गीड़ा प्रशासन से और जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा कि इस दिशा में उद्यमियों के साथ बैठ करके प्रतिमा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी उद्यमियों के साथ, व्यापारियों के साथ बैठ करके उनसे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करें। उनसे जुड़ी हुई कोई भी स्थानीय स्तर की समस्या उसका वहीं पर समाधान होना चाहिए। उद्योग विभाग को बैठना चाहिए, गीड़ा प्रशासन को बैठना चाहिए, उनसे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान वहीं पे होना चाहिए। हर तीसरे महीने मंडलायुक्त और आईजी या डीआईजी रेंज के नेतृत्व में ये बैठक होनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों को भी उसमें बुलाइए, बैंकर्स को भी उसमें बुलाइए, उन समस्याओं का समाधान वहां पर होना चाहिए। और जो लगता है कि यहां से स्थानीय स्तर पर समाधान नहीं हो सकता, शासन में है, तो शासन में हमें उन समस्याओं के समाधान के लिए फोन करने में और पत्र लिखने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। निस्तारण की एक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की इच्छा है। अगर हम कार्य करते हैं तो इससे उद्यमी को भी सहूलियत होगी, निवेशकों को भी इससे काफी सहूलियत होगी और साथ साथ यहाँ पे पूंजी निवेश के माध्यम से हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार की सुविधा के साथ जोड़ पाएंगे। गीड़ा की शानदार यात्रा के मैं गीड़ा प्रशासन को, यहाँ के निवेशक और उद्यमियों को, उनके सभी सहकर्मियों को एक बार फिर से बधाई देता हूँ और मुझे विश्वास है कि एक बेहतरीन निवेश के गंतव्य के रूप में आप लोग गोरखपुर को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। Congratulations!
यहाँ पे आवंटन हो रहा था जो भी हमारा ये गीडा का है वहाँ पे नए नए फैक्ट्री हम लगा सकते हैं उसके विषय में ये जो भी कार्यक्रम था उसके विषय में था। और मैं यहाँ पे गारमेंट कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ, इससे रिलेटेड मैं यहाँ पे आई थी और इन लोगों ने आवंटन पत्र के माध्यम से मुझे, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आवंटन पत्र मिला, गीडा के कर्मियों ने बताया तो हम इन्वाइट किया तो हम आए। सॉरी, गारमेंट कंपनी में करना चाहती हूँ। और जो हमारे यहाँ लोकल लोग हैं, बहुत से वर्कर हैं जो रोज़गार नहीं मिलता है, हमें बाहर जाना पड़ता है, उसके बारे में ही सोच के मैं ये कदम उठा रही हूँ। राजघाट थाने की पुलिस ने 4 जालसाजों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि राजघाट थाने की पुलिस ने 4 जालसाजों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी पहचान गैंग लीडर भोला कुशवाहा पुत्र भगवान दास कुशवाहा निवासी तुर्कमानपुर बर्फखाना थाना राजघाट गोरखपुर, दूसरा मोतीलाल कुशवाहा पुत्र बुद्धिलाल कुशवाहा पता तिवारीपुर थाना तिवारीपुर गोरखपुर, तीसरा राजेश कुशवाहा उर्फ घुरे पुत्र भगवान दास कुशवाहा निवासी तुर्कमानपुर बर्फखाना थाना राजघाट गोरखपुर, चौथा अनिल कुशवाहा पुत्र प्रसाद निवासी पटवारी टोला तुर्कमानपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त व गैंग के सदस्य सुसंगठित आपराधिक गैंग बनाकर अपने आर्थिक भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु व्यक्तियों को बहकावे में लेकर एवं उन्हें डरा धमकाकर उनकी जमीन की चौहद्दी बदलकर फर्जी तरीके से कूट रचित दस्तावेज तैयार जमीन खरीद फरोख्त करने के अभ्यस्त अपराधी हैं। इस गैंग के लीडर एवं सदस्यों के आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना राजघाट द्वारा एक ऐसे भूमाफिया के खिलाफ गैंगस्टर किया है जो अपने आप को जमीन का कारोबारी बताता था, लेकिन जमीन के कारोबारी बताने के पीछे वह फर्जियों कूटोचित बेनामे करता था, फर्जी दस्तावेज बनाता था एवं उसके साथ साथ लोगों के पैसे ऐंठना एवं जमीन ना देने का काम करता था। उसके साथ साथ उस पर मनबढ़ई के भी मुकदमे दर्ज हैं एवं लूट का भी मुकदमा दर्ज है। इस तरह के 4 लोगों जो भोला कुशवाहा, मोतीलाल कुशवाहा, राजेश कुशवाहा एवं अनिल कुशवाहा, इन 4 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा थाना राजघाट में दर्ज किया गया है एवं उसके साथ साथ उनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी एवं आगे की विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन नगरीय द्वारा प्रतिबद्ध 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय का अभियान चलेगा, जो दिनांक 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त 750 निकायों में कूड़ा एकत्रीकरण के दृष्टिगत संवेदनशील स्थान को पूर्णतः रूप से विलोपित कर स्वच्छ स्थान में परिवर्तित कराया जाना है, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि नगर निगम द्वारा 75 गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स को चिन्हित किया गया है, जहां पर हम अभियान से पूर्व जनमानस को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक, वॉल पेंटिंग, बैनर होर्डिंग, निदेशालय स्तर से प्राप्त आईईसी सामग्री को एलईडी एवं लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार प्रसार, लोकल प्रेस के माध्यम से जनभागीदारी, स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति के सदस्यों द्वारा जीवीपी स्थानों के आसपास के क्षेत्रों में जन जागरूकता की कार्रवाई, सोशल मीडिया के समस्त प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि के माध्यम से राज्य मिशन निदेशालय स्तर से प्राप्त क्रिएटिव्स का उपयोग करते हुए व्यापक जन जागरूकता एवं जन सहभागिता सुनिश्चित कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अभियान के मध्य जनमानस को जागरूक करने के लिए कॉलेज एवं विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा रैली का आयोजन किया जाएगा। जनमानस को जागरूक करने के लिए सभी विलोपित गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स से सौंदर्यीकरण जैसे कि पुनःचक्रणा व पुनः उपयोग सामग्री से किया जाएगा। गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स के निस्तारित स्थलों पर सेल्फी पॉइंट्स, रेहड़ी पटरी वालों को जगह आवंटित करना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेंच की व्यवस्था, पेड़ व गमला लगाना, रैन बसेरा का निर्माण, दान स्थलों का निर्माण, वर्टिकल गार्डन आदि का निर्माण कराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, तो आम जनमानस को जोड़ना है, इसी का मैसेज है, लोगों को बताना है वगैरह। महानगर के समस्त सम्मानित नागरिकों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ कि
फिर भारतवर्ष में हो रहा है किसी नहीं उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन नगरी द्वारा आज़ादी के 75वें महोत्सव के 75 घंटे 750 निकाय अभियान 1 तारीख से प्रारंभ होकर 3 दिसंबर 2022 को इसका समापन होगा। इसका जो मुख्य रूप उद्देश्य ये है कि जो प्रत्येक निकाय में जहाँ जहाँ पर भी गार्बेज वन लेवल पॉइंट्स जहाँ पर ऐसे तमाम जगहों को चिन्हित करके जहाँ पर कि लोग कूड़े का ढेर इकट्ठा कर देते हैं उन कूड़े के ढेर को समूल नाश कर देना है, उनको पूरी तरह से उनको नष्ट कर देना है और उन जो जगहों को हम सफाई करेंगे फिर इस प्रकार से उनको मेंटेन करना है कि भविष्य में पुनः वहाँ पर कोई इस प्रकार की गंदगी ना फैला सके। और इस अभियान के माध्यम से आसपास के लोगों को पूरे महानगर के लोगों को इस प्रकार से जागरूक कर देना है कि वो स्वच्छता के इस महत्व को समझें और जो जितने भी हमारे गोरखपुर महानगर के अंतर्गत 75 जो छाटे गए हैं वल्नरेबल पॉइंट्स इन सभी पॉइंट्स को इतना इसको सौंदर्यकृत इसका कर देना है, इसका इस प्रकार सौंदर्यकरण कर देना है कि जितने भी लोग जो कल वहाँ फिर एक बार जहाँ कूड़ा हमेशा पड़ा रहता था जब एक दिन बाद वहाँ से आए तो उनको सहसा विश्वास ना हो कि ये वही जगह है जो कल तक इतनी गंदी गति रहती थी। हम उसको इस प्रकार से बहुत ही नई नई उसमें इनोवेटिव आइडिया हम लोग उसमें वहाँ पर कर रहे हैं, जैसे कि हम ठंड की ऋतु के लिए जो हमारे निराश्रित भाई हैं जिनके सर पे छत नहीं है या फिर जो लोग बाहर से आते हैं यात्री होते हैं और उनकी बस या ट्रेन छूट जाती है उनके ठहरने के लिए एक बहुत ही अच्छा रैन बसेरा जिसमें कंबल गद्दा तकिया आदि रहेगा। इसके साथ साथ सेल्फी पॉइंट्स ये दिखाने के लोगों को जागरूक करने के लिए कल जो जहाँ इतना गंदा था आज वहाँ इतना अच्छा हो गया है कि वहाँ पर आप अपनी सेल्फी भी ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ वहाँ पर अच्छी बागवानी करना, एक अच्छा गार्डन मेंटेन करना, अच्छे प्लांट्स वहाँ पे लगा देना कि लोगों को पब्लिक भी इससे अपनी एक पब्लिक के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो, एक नया उत्साह उनके अंदर जागृत हो कि नहीं हमें कहीं पर भी कूड़ा नहीं फेंकना है और जहाँ फेंक रहे हैं उसको इसी प्रकार से साफ करके इस प्रकार से सुंदर बना देना है कि हम सभी लोग जब सुबह को मॉर्निंग वॉक पे जाएं तो वहाँ पर बेंच आदि लगी रहे, अच्छे पेड़ लगे रहे, वहाँ बैठें और हम लोग वहाँ बैठकर चाय पे चर्चा कर सकें, चाय पर एक सार्थक चर्चा, चाय पर अपने मन की बात हम वहाँ पर कर सकें, जो हमारे आपसी सुख दुख के हैं, जो आपस में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वहाँ पर जब बैठेंगे तो अपने सुख दुख की बातें एक दूसरे शेयर कर सकें, इसका मुख्य उद्देश्य ये है। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि ये प्रदेश सरकार का एक अभिनव प्रयास है जिसके माध्यम से हम अपनी बहुत बड़ी आबादी को एक जागरूक करने में, उनको ये समझाने में सफल रहेंगे कि स्वच्छ गोरखपुर, स्वस्थ गोरखपुर और सुंदर गोरखपुर बिना आपके सक्रिय योगदान से संभव नहीं हो सकता है। अतः आइए इस 3 दिवसीय अभियान में अपना सहयोग प्रदान करें, अपना नगर निगम के हाथों से उनके कंधों से कंधा मिलाकर इस अभियान को पूरी तरह से सफल बनाएं। मैं अविनाश सिंह, नगर आयुक्त गोरखपुर नगर निगम गोरखपुर महानगर के समस्त सम्मानित नागरिक गणों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि स्वच्छ भारत मिशन नगरी द्वारा आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रतिबद्ध 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय अभियान 1 दिसंबर 2022 से 3 दिसंबर 2022 तक किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के समस्त 750 निकायों में कूड़ा एकत्रीकरण के दृष्टिगत संवेदनशील स्थान गार्बेज वनलेबल पॉइंट्स को पूर्णतया स्थायी रूप से विलोपित कर उसे स्वच्छ स्थान में परिवर्तित कर देना है। गोरखपुर नगर निगम के द्वारा 75 गार्बेज वनलेबल पॉइंट्स चिन्हित किया गया है जहां पर इस अभियान को पूर्ण जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से नुक्कड़ नाटक, वॉल पेंटिंग, स्टैंडी, बैनर, होर्डिंग, निदेशालय स्तर से प्राप्त IEC सामग्री को LED एवं लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार प्रसार, लोकल प्रेस के माध्यम से जन भागीदारी, स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति के सदस्यों द्वारा GVP स्थानों के आसपास के क्षेत्रों में जन जागरूकता की कार्यवाही, सोशल मीडिया के समस्त प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि के माध्यम से राज्य
मिशन निदेशालय के स्तर से प्राप्त क्रिएटिव्स का उपयोग करते हुए व्यापक जन जागरूकता एवं जन सहभागिता सुनिश्चित कराई जाएगी। इस अभियान के माध्यम से जनमानस के बीच में जन जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से कॉलेज एवं विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा रैली का आयोजन, जन प्रतिनिधियों, सफाई चैंपियंस द्वारा श्रमदान, स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति के सदस्यों द्वारा जीवीपी स्थानों के आसपास जन जागरूकता हेतु डोर टू डोर कैंपेन, निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराए गए सामग्री पोस्टर, बैनर, कूड़ा गाड़ियों पर चस्पा कर प्रचार प्रसार, एनसीसी एनएसएस के युवाओं को जोड़ते हुए श्रमदान, गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स का विलोपन से पूर्व एवं विलोपन के उपरांत उच्च गुणवत्ता व जियोटैग फोटो निदेशालयों की इमेज पर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ इन समस्त गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स का जो हमारा इसकी फोटोग्राफी के साथ साथ वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, साथ ही ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी इसके उत्कृष्ट जो फोटो हैं उनका भी चित्रण कर इसको निदेशालय में भेजा जाएगा। इस अभियान के तहत जनमानस को जागरूक करने के लिए सभी विलोपित गार्बेज वनरेबल पॉइंट से सौंदर्यीकरण जैसे कि पुनर्चक्रण व पुनः उपयोग सामग्री से किया जाना, गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स के निस्तारित स्थलों पर सेल्फी पॉइंट, रेहड़ी पटरी पर रहने वाले श्रम मजदूरों के लिए रैन बसेरों की स्थापना, उनको रेहड़ी पटरी वालों को अपना जो स्टॉल लगाने के लिए उस जगह का आवंटन करना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वहाँ पर टहलने के लिए के थक जाने के बाद या कुछ समय बिताने के उद्देश्य से स्वच्छता के इतने ऊंचे मानदंड को स्थापित करना कि वो वहाँ बैठकर चाय आदि पर गुफ्तगू कर सकें, चाय पर वार्ता कर सकें और साथ ही साथ उनके बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था करके एक अच्छा ग्रीनरी, पेड़ पौधे गमले में लगाना, पेड़ पौधे अलग से लगाना, क्यारियाँ मेंटेन करना, इसके साथ साथ जो है वहाँ पर हम लोग दान स्थलों का भी निर्माण कराएंगे, दान की दीवार बनाएंगे, नेकी की दीवार बनाएंगे, जिससे कि बहुत से ऐसे लोग जिनके पास घरों में अच्छे कपड़े रखे रहते हैं लेकिन वो इस्तेमाल के बाहर हो जाते हैं, उन कपड़ों को उन लोगों को उपलब्ध कराना जिनको कि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ साथ कुछ जगहों पर वर्टिकल गार्डन हम लोग लगवाएंगे। सेल्फी पॉइंट्स के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम एक रैन बसेरे का ऐसा भी बनवाने इस जगहों पर बनवाएंगे जहाँ पर कि आप देखते हो कि ठंडी के दिनों में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर जो बाहर से आते हैं, कई बार ट्रेन आदि बस आदि छूट जाती है और उनके पास कहीं होटल आदि में ठहरने के लिए पैसे आदि नहीं होते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम एक अच्छी उच्च कोटि का रैन बसेरे का भी निर्माण कराएंगे जो पूरे जो हमारी ठंड की ऋतु है उसमें पूरे समय ये बहुत अच्छा काम देगा। इसमें हम लोग कंबल, गद्दे, तकिया आदि रखेंगे और हम इसे जो ऐसे हमारे गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स का जब 3 तारीख को समापन होगा ऐसी जगहों से हम ऐसे जो निराश्रित लोग हैं उनको कंबल आदि का भी हम लोग वितरण करेंगे। आज़ादी के इस 75वें महोत्सव के जो अंतिम माह के अंतर्गत प्रतिबद्ध 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय अभियान दिनांक 1 दिसंबर 2022 से प्रातः 7:30 बजे प्रारंभ होकर अगले 75 घंटे तक लगातार संचालित किया जाएगा, जिसके उपरांत भव्य समापन समारोह का कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाएगा। नगर निगम गोरखपुर के इस जो आम जनमानस को जागरूक करने वाले इस कार्यक्रम में समस्त इलेक्ट्रॉनिक में जो चैनल के जो हमारे मीडिया बंधु हैं, समस्त प्रिंट मीडिया के जो हमारे बंधु हैं वो हमारे मीडिया पार्टनर हैं, साथ ही साथ हम बिग FM को भी इसको अपने साथ जोड़े हुए हैं जिनके माध्यम से हम लगातार इधर जो है आज से ही हम लोग आम जनमानस में इस बेहतरीन कार्यक्रम से जुड़ने के लिए उनको हम लोग जागरूक कर रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं। मैं एक बार अंत में अपने महानगर गोरखपुर के समस्त प्रबुद्ध नागरिकगण, समस्त सम्मानित नागरिकगण से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जो शासन के द्वारा ये एक आज़ादी के 75वें वर्ष में आज़ादी के 75वें महोत्सव पे ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है 1 से 3 तारीख तक, इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आम जन सामान्य को जो स्वच्छता की इस अनूठी मुहिम में जोड़ने के लिए वो अपना सक्रिय योगदान प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश खेल विभाग द्वारा ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की स्मृति में गुरुवार को रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में चतुर्थ अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके संबंध में जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष अरुणेश शाही ने बताया कि ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति में उत्तर प्रदेश खेल विभाग द्वारा कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव के द्वारा किया जाएगा, जो कि 1 दिसंबर से
4 दिसंबर तक चलेगा। कोविड में यह प्रतियोगिता एक साल नहीं हो पाया था, जिसमें भारत के 12 टीमें भाग लेंगी, जिसका समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 4 दिसंबर को किया जाएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में विजेता टीम को 2 लाख, उपविजेता टीम को 1 लाख और तृतीय विजेता टीम को 50,000 की धनराशि देकर सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कबड्डी संघ के सचिव प्रभात कुमार पांडे एवं अध्यक्ष अरुणेश शाही ने कहा, प्रभात कुमार पांडे, सचिव जिला कबड्डी एसोसिएशन गोरखपुर। आयोजन 1-2 बजे से होगा शुरू। कुल 12 टीमें हैं, 12 टीमें इसमें भाग ले रही हैं और 2 बजे से खेला जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता है जो गिरीश चंद्र यादव जी उद्घाटन करेंगे। एक माननीय खेल मंत्री हैं और महाराज जी समापन करेंगे 4 तारीख को। मैं अरुणेश शाही, जिला कबड्डी संघ का अध्यक्ष हूँ। ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी की स्मृति में खेल मंत्रालय द्वारा एक कबड्डी का आयोजन होता है, जो अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के नाम से जाना जाता है। ये 4th अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता है। इसका आयोजन 1 दिसंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक प्रत्येक वर्षों में होता आया है। कोविड में एक साल नहीं हो पाया, जिसे यहाँ के खेल प्रेमी वंचित रह गए। अभी इसका उद्घाटन 1 दिसंबर को माननीय राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी के द्वारा कल 2 बजे होना है, जिसमें भारत की सर्वश्रेष्ठ 12 खिलाड़ियों का सहभागिता होगी। उन्होंने आने की स्वीकृति दी है। कल सुबह से सारे खिलाड़ी आना शुरू हो रहे हैं, कुछ तो आज रात में ही आ जाएंगे और उसका उद्घाटन 2 बजे माननीय खेल मंत्री के द्वारा होगा, जिसका समापन 4 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा 2 बजे से 3 बजे 4 बजे के बीच में होगा, जिसमें पुरस्कार वितरण और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये कितने दिन का कार्यक्रम? ये 4 दिन का कार्यक्रम है और 4 दिन में ये प्रतियोगिता संपन्न होती है। और इस प्रतियोगिता की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसका समापन और पुरस्कार वितरण महाराज जी द्वारा होता है, जो 4 दिसंबर को सायंकाल संपादित होगा। नाम की राशि भी रखी है जो इसमें? हाँ, इसमें विजेता को 2 लाख रुपया, उपविजेता को 1 लाख रुपया और जो तृतीय होते हैं उनको 50,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, जो खेल मंत्रालय से मिलता है लोगों को। 4 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि भी हैं और ये जो आयोजन हो रहा है पूर्वांचल का सबसे बड़ा कबड्डी का आयोजन है। चूँकि महाराज जी विगत 25-30 वर्षों से खेल के लिए बहुत संजीदा रहते हैं, उन्होंने कबड्डी, कुश्ती, हॉकी सारी प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करते आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी खेलों में विशेषकर रुचि लेकर के वो सहयोग भी करते हैं और प्रोत्साहित भी करते हैं। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गीडा के स्थापना दिवस समारोह में सीएम योगी ने 504 करोड़ की निवेश परियोजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास। प्लास्टिक पार्क, रेडीमेड गारमेंट पार्क और फ्लडेड फैक्ट्री की मिली सौगात। 1200 करोड़ की निवेश परियोजनाओं के निवेशकों को प्रदान किया भूमि आवंटन का प्रमाण पत्र। कहा, अपराधी व उसके संरक्षण दाता निवेश के सबसे बड़े दुश्मन। गैंग लीडर भोला कुशवाहा सहित 4 जालसाजों मोतीलाल कुशवाहा, राजेश कुशवाहा उर्फ घुरे एवं अनिल कुशवाहा के ऊपर राजघाट थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा किया दर्ज। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी।
आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन नगरीय द्वारा प्रतिबद्ध 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय का चलेगा अभियान। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा 75 गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स को किया गया है चिन्हित, सेल्फी पॉइंट्स रेहड़ी पटरी वालों को जगह किया जाएगा आवंटित। प्रमलीन महंत अवैधनाथ महाराज की स्मृति में गुरुवार से उत्तर प्रदेश खेल विभाग द्वारा रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का किया जाएगा शुभारंभ। विजयी खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 4 दिसंबर को किया जाएगा सम्मानित। जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष अरुणेश शाही ने दी जानकारी। चार दिसंबर को दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित होने वाले निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन के संबंध में भाजपा महानगर की बैठक महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता की अध्यक्षता में हुए संपन्न। ने कहा समाज के सभी प्रबुद्ध वर्ग को किया जा रहा है आमंत्रित ताकि ऐतिहासिक हो सके निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन। सेंट एड्यूज कॉलेज के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी विद्यार्थियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना। अस्पताल नंदा नगर के 45 कर्मचारियों ने संविदा बहाली की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वावधान में जिलाधिकारी को प्रेषित किया ज्ञापन संविदा बहाली की मांग। और एमएसआई इंटर कॉलेज में जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने केमिस्ट्री लैब का किया शुभारंभ। कहा इस समय विज्ञान का है समय, केमिस्ट्री लैब से बच्चों को मिलेगी अच्छी शिक्षा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी महानगर की बैठक बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर 4 दिसंबर को दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित होने वाले निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन के संबंध में महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता की अध्यक्षता में आर्य नगर की मंडल की बैठक की गई, जिसके संबंध में महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि आगामी 4 दिसंबर को दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित होने वाले निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन में कर्मचारी, अधिवक्ता, समाजसेवी, व्यापारी, शिक्षक, व्यापारी, रिटायर्ड कर्मचारी, चिकित्सक, अधिवक्ता व समाज का प्रबुद्ध वर्ग सभी को आमंत्रित किया जा रहा है। प्रबुद्ध वर्ग के लोग अधिक से अधिक संख्या में निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए उपस्थित होंगे। इस अवसर पर महानगर महामंत्री देवी श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष शशिकांत सिंह, रणविजय शाही, जितेंद्र चौधरी जीतू, मंडल अध्यक्ष सिद्धांत घोष, संत स्वीकृत आनंद अग्रहरी, अष्टभुजा श्रीवास्तव, प्रशांत अनुपमा पांडे, मंत्री अजय श्रीवास्तव, ब्रजेश मणि मिश्रा, ओम प्रकाश शर्मा, डॉक्टर सुनील त्रिपाठी सहित महानगर पदाधिकारी व मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा इसके विषय में आज बैठक रखी गई है, जिसमें मंच पे हमारे बड़े भाई श्री राजेश गुप्ता जी आ चुके हैं। हम उनका तालियों के साथ महानगर के इसी कड़ी में हमारे महानगर के बड़े भाई श्री शशिकांत सिंह जी भी उपस्थित हैं। मंत्री श्री चतुर्भुज प्रसाद जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का निमंत्रण करते हैं माल्यार्पण के अशोक भैया। और संगठन की दृष्टि से
इस मंडल के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के अति वरिष्ठ नेता श्री प्रेमनाथ शुक्ला जी, मंडल के महामंत्री श्री चतुर्भुज प्रसाद जी एवं बैठक का संचालन कर रहे मंडल के महामंत्री श्री प्रशांत गौड़ जी होने से पहले आप सभी ने एक वृत्त दिया है, देवेश जी और शशिकांत जी ने वृत्त लिया कि यह स्थानीय निकाय का जो चुनाव होने वाला है उसकी तैयारी की दृष्टि से निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन 4 तारीख को महंत दिग्विजय नाथ पार्क में होना तय हुआ है और उसमें हम सबको श्रेष्ठ मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का मिलने वाला है। उसकी दृष्टि से हमारे अपने अपने वार्डों में हम सभी सूची बनाकर दिए हैं, जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं, अधिवक्ता हैं, चिकित्सक हैं, शिक्षक हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, जिनका एक समाज में एक अन्य लोगों पे प्रभाव पड़ता हो, ऐसे प्रबुद्ध वर्ग की सूची आप सभी ने सभी वार्डों से बना के दिया, उनको निवेदन करके उस कार्यक्रम में हमको लेके आना। इसी की तैयारी की दृष्टि से महानगर की बैठक अभी एक हफ्ता पहले लोकप्रिय क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी ने लिया, उसमें सभी मंडल के अध्यक्ष, मंडल के प्रभारी और महानगर के पदाधिकारी पार्षदगण आए थे। आगामी 4 दिसंबर को निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन गोरखपुर महानगर में आयोजित है, महंत दिग्विजय नाथ पार्क में, सर्किट हाउस के बगल में। उसी के निमित्त गोरखपुर महानगर के सभी 80 वार्डों के जो भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, चिकित्सक, अधिवक्ता, शिक्षक, रिटायर्ड कर्मचारी, व्यापारी वर्ग, समाज का प्रबुद्ध वर्ग, सबको आमंत्रित किया जा रहा है। उसी की तैयारी की दृष्टि से अभी पिछले हफ्ते हम सबके नेता लोकप्रिय क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी ने महानगर की बैठक लिया था और आज उसी कड़ी में हम सभी कल से ही सभी मंडलों की बैठकें कर रहे हैं, ताकि मंडल में अपने कार्यकर्ताओं को लगा के सूचना करा के उन सभी प्रबुद्ध जन को आमंत्रित किया जाए, ताकि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम 4 तारीख को गोरखपुर महानगर में हो, उसमें पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन मार्गदर्शन हम सभी को मिलेगा। निश्चित ही उस कार्यक्रम से गोरखपुर नगर निगम का चुनाव तय होने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी प्रयास करके 80 के 80 वार्डों में हम सभी चुनाव जीतने वाले हैं। एक बेहतर माहौल, शानदार माहौल गोरखपुर महानगर में बनने वाला है। उसी की तैयारी की दृष्टि से सभी मंडलों की बैठकें क्रमशः चल रही हैं। सेंट्रल ड्यूज कॉलेज के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची भारत सरकार की महालेखा परीक्षक की उप नियंत्रक इला सिंह ने विभिन्न प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्य अतिथि इला सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि 123 साल पुराने इस कॉलेज परिवार के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई। अधिक संख्या में छात्राओं को पुरस्कृत होते देख कर अच्छा लगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो दिया जा रहा है उसे मेरे पिताजी ने पहले ही चरित्रार्थ किया, जो आज मैं यहाँ सबके सामने उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों को अपने करियर के प्रति सावधान होना चाहिए, अपने अच्छे विचारों को चरित्रार्थ करें, अच्छी सोच को साकार करने की कोशिश करें, जिससे आप एक अच्छे नागरिक बन सकें। इस अवसर पर नियंत्रण मंडल के सदस्य डॉक्टर CP गुप्ता, डॉक्टर सुशील कुमार राय, डॉक्टर मोहम्मद तनवीर, डॉक्टर जिलाजीत चौधरी, डॉक्टर विकास सरकार, डॉक्टर शेखर वर्मा, डॉक्टर सुभाष पीडी, डॉक्टर रविंद्र आनंद, डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव, डॉक्टर अनुग्रह तिवारी, डॉक्टर अमित मसीह, डॉक्टर JK पांडे, डॉक्टर JP यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत सरकार महालेखा परीक्षक की उप नियंत्रक इला सिंह ने कहा, और साथ ही साथ ही बिकेम अ वेरी सीनियर एडवोकेट इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोरखपुर। ही वाज डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल फॉर 17 इयर्स। ही वाज नगर निगम गीडा, BSNL, GDA एंड जिला पंचायत, सोशल सर्विस, एंड ही वाज लायंस क्लब डिप्टी गवर्नर। मैं एक चीज और आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, उनकी बिटिया ने एक मैसेज याद में, ताकि क्योंकि वो दिल्ली में है, आज आ नहीं सकी हम लोगों के बीच में, उन्होंने लिखा है, अ ग्रेट एंड नोबल सोल लीव सच एन अमेजिंग इंपैक्ट ऑन द वर्ल्ड दैट इट विल एंड्योर इन मेनी पीपल्स हार्ट लॉन्ग आफ्टर।
सबका हम लोगों के साथ रहेगा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सारे बच्चे आ गए हैं, अपनी चीफ मैम से और प्रिंसिपल मैम से प्लीज इनको बधाई, कंग्रेचुलेशन। और अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं, हम कॉलेज परिवार की तरफ से आपका भी स्वागत करते हैं। प्लीज तालियां रुकनी नहीं चाहिए कि बच्चों ने सराज मेमोरियल मेडल जो कि एलएलबी टॉप कृपया मेडल लेने के बाद पीछे खड़े रहे, फोटो सेशन अभी लास्ट में होगा। श्री अगर आपके पेरेंट्स हैं तो हम आपका भी स्वागत करते हैं अपने बीच में कॉलेज परिवार की तरफ से। श्री एस एन चौधरी मेमोरियल मेडल हाईएस्ट मार्क्स इन बी एस सेकेंड ईयर करते हैं और आपको बहुत बधाई देते हैं कॉलेज परिवार की तरफ से। श्रीमती कांति देवी बधाई देते हैं और उनका बहुत ही वेलकम करते हैं कॉलेज परिवार की तरफ से। श्री साजिद अली मेमोरियल मेडल, श्रीमती सुषमा सरकार मेमोरियल फैकल्टी, श्री विकास डॉक्टर विकास सरकार की मदर के नाम पर इंस्टॉल किया गया है। ज्यादातर महिला संवर्ग को अवार्ड मिल रहा है, ताली जरूर बजाएं। यस यस सेकंड ना, एक और भी था, एक और भी था। हमारे डॉक्टर वी बी सिंह के द्वारा ये अवार्ड अपनी मदर के नाम पर इंस्टॉल किया गया है। सर हमारे बीच में है, सर हम आपका सीखनी नहीं टॉपर है बल्कि अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज में आगे बढ़ चल कर हिस्सा लेती हैं, इसलिए बहुत बहुत बधाई दीपांशा और ऐसे ही आप तरक्की करें। प्रोफेसर महिपाल सिंह मेमोरियल मेडल चीपिका, एसोसिएशन से बहुत से गेस्ट आए हुए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। श्रीमती निशा सिंह, श्रीमती अंजलि श्रीवास्तवा, मैडम कंडोई जी हमारे बीच में है। मैडम आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉलेज परिवार की तरफ से। कहूँगे कि आज हमारा कॉलेज 123 साल पुराना हो गया है और पिछले 123 साल में हम इस गोरखपुर में अपनी सेवाएं देते रहे हैं और हमारे यहाँ से लाखों बच्चे निकले हैं पढ़ कर के जिन्होंने समाज की सेवा की है। और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। इस फाउंडर्स वीक में तमाम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तमाम कार्यक्रम आयोजित हुए और आज जो है इसका पुरस्कार वितरण समारोह है और इसमें हमारे बहुत ही एक सम्मानित अतिथि उपस्थित है और श्रीमती इला सिंह, वो डिप्यूटी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं इंडियन रेलवेज़ की और उन्होंने ये उनके साथ कॉलेज का एक प्रेम का रिश्ता है क्योंकि उनके पिताजी यहाँ आके एलुमनस रहे और उन्होंने अपने पूजनीय पिताजी की इच्छा को रखते हुए इस कॉलेज को विजिट किया, इस कॉलेज में एक मेमोरियल अवार्ड को इस्टेब्लिश किया और आज वो हमारे बीच में हैं। इसलिए हम तहे दिल से उनके भी आभारी हैं और समस्त लोगों के आभारी हैं जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वावधान में टीबी अस्पताल नंदानगर के 45 कर्मचारियों ने संविदा बहाली के संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि टीबी अस्पताल के 45 कर्मचारियों के संविदा को बहाल करने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया गया है और मांग किया गया है कि सभी कर्मचारियों की संविदा को बहाल किया जाए। इस अवसर पर लीना सिंह, ममता राय, सिनित प्रभा सिंह, विनीता, दमयंती, प्रियंका सिंह, निर्मला राय, प्रेमलता, रागनी, आकाश, विष्णु, अजय, विकास, वरुण, वैरागी, राघवेंद्र कुमार, मदन मुरारी, शुक्ला, वाशुकी नाथ तिवारी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, अरे उन्हें को आगे कर दीजिए भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राज कर्मचारी संयुक्त परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, 48 कर्मचारी बहाल करो बहाल करो।
वर्किंग क्लास जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करो, मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करो, 45 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बहाल करो, 45 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बहाल करो। रुपेश कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष राज कर्मचारी संयुक्त परिषद। ज्ञापन आपके लिए, देखिए आज हम लोग ये 45 कर्मचारियों का दर्द है जिनके चूल्हे बुझ चुके हैं। 13 जुलाई से इनका जो निरंतरता है वो खत्म हो चुकी है। हालांकि शासनादेश के तहत उसमें शासनादेश में इंगित है कि निरंतरता खत्म नहीं होनी चाहिए, निरंतरता बनी रहनी चाहिए। और सबसे बड़ा दुख की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर 3 बार लोग महिला पीड़ित कर्मचारी मिली हैं, जो नर्स और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं टीबी अस्पताल के, अब मिल के अपना गुहार लगाए। उन्होंने डांटा भी अपने अधिकारियों को और कहा जल्दी कराओ, लेकिन हम मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं हो रहा, यही मेरे समझ में नहीं आ रहा। अब मैं ये समझता हूँ आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ कि आप तो पीठाधीश्वर भी हैं, अर्थात ईश्वर का रूप है, और एक तो मुख्यमंत्री हैं और दूसरे ईश्वर का रूप है। तो अगर आपके जमाने में न्याय नहीं होगा, ये बच्चों का चूल्हा बुझ चुका है। क्या मांग कर रहे हैं आप? तो हम मांग करते हैं तत्काल बहाली किया जाए, मुख्यमंत्री के आदेश का पालन किया जाए, या तो मुख्यमंत्री जी कहें कि हम नहीं कर पाए, क्यों नहीं होगा उसका रास्ता निकालें, क्योंकि आप तो संविदा की आप नौकरी दे रहे हैं। मंत्री जी ने तो निर्देश दिया था करने के लिए। हाँ, लेकिन आप तो मुख्यमंत्री जी से एक बड़ा मिशन पर लड़ना आगे है कि अब संविदा पर नौकरी आप दे रहे हैं, सारे बच्चों को दीजिएगा। तो हम चाहते हैं एक नियमावली बना दिया जाए, नियमावली बनाने के बाद उसमें ये हो जाए कि नियमित वेतन मिले और कंटिन्यूटी अपने आप चलता रहे, और बीच में जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो। जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने एमएस साइंसर कॉलेज में केमिस्ट्री लैब का उद्घाटन किया। इसके संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि एमएस साइंसर कॉलेज में केमिस्ट्री लैब का शुभारंभ किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा कार्य है, क्योंकि आज का समय विज्ञान का समय है। कॉलेज के बच्चे प्रैक्टिकल के माध्यम से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। केमिस्ट्री का बहुत ही बड़ा योगदान है। लैब में सभी तरह के रासायनिक चीजें मौजूद हैं और जो केमिकल है इससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। इस अवसर पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष कुमार पांडे, एमएसआई इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जफर अहमद खान सहित अन्य अध्यापक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा, हमारे एमएसआई इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और इनकी प्रबंध समिति का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आज का समय विज्ञान का युग है, बच्चे प्रैक्टिकल के माध्यम से ही अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, और केमिस्ट्री खास तौर से जो इस समय चल रहा है, और बहुत सुसज्जित लैब का निर्माण किया गया। हम अंदर देख के आए, आपका सारे इक्विपमेंट जो भी लगे हुए हैं और जो भी केमिकल हैं वो वास्तव में बच्चों को बहुत सहायता देंगे और अच्छे प्रैक्टिकल करेंगे, और हमारे और भी विद्यालय के
जो हमारे प्रिंसिपल हैं और मैनेजमेंट है देखेंगे, इससे शिक्षा लेंगे किसी प्रकार की सुजति लिए बनाई जाए। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गीडा के स्थापना दिवस समारोह में सीएम योगी ने 504 करोड़ की निवेश परियोजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास। प्लास्टिक पार्क, रेडीमेड गारमेंट पार्क और फ्लडेड फैक्ट्री की मिली सौगात। 1200 करोड़ की निवेश परियोजनाओं के निवेशकों को प्रदान किया भूमि आवंटन का प्रमाण पत्र। कहा, अपराधी व उसके संरक्षण दाता निवेश के सबसे बड़े दुश्मन। गैंग लीडर भोला कुशवाहा सहित चार जालसाजों मोतीलाल कुशवाहा, राजेश कुशवाहा उर्फ घुरे एवं अनिल कुशवाहा के ऊपर राजघाट थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा किया दर्ज। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन नगरीय द्वारा प्रतिबद्ध 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय का चलेगा अभियान। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, 75 गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स को किया गया है चिन्हित। सेल्फी पॉइंट्स रेहड़ी पटरी वालों को जगह किया जाएगा आवंटित। प्रमलीन महंत अवैधनाथ महाराज की स्मृति में गुरुवार से उत्तर प्रदेश खेल विभाग द्वारा रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का किया जाएगा शुभारंभ। विजयी खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 4 दिसंबर को किया जाएगा सम्मानित। जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष अरुणेश शाही ने दी जानकारी। चार दिसंबर को दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित होने वाले निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन के संबंध में भाजपा महानगर की बैठक महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता की अध्यक्षता में हुए संपन्न। ने कहा, समाज के सभी प्रबुद्ध वर्ग को किया जा रहा है आमंत्रित ताकि ऐतिहासिक हो सके निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन। सेंट एड्यूज कॉलेज के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी विद्यार्थियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना। टीबी अस्पताल नंदा नगर के 45 कर्मचारियों ने संविदा बहाली की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वावधान में जिलाधिकारी को प्रेषित किया ज्ञापन। संविदा बहाली की मांग। और एमएसआई इंटर कॉलेज में जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने केमिस्ट्री लैब का किया शुभारंभ। कहा, इस समय विज्ञान का है समय, केमिस्ट्री लैब से बच्चों को मिलेगी अच्छी शिक्षा। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।